हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताएंगे कि वो शांत होते हैं या अशांत होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी बिना लंबा भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें बिना भाग ये कर बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या की, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। जैसे पी ये हो गया और क्यू ये हो गया, तो जो संख्याएं आपकी बटे के रूप में लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं दशमलव में शांत और अशांत प्रसार कौन सा होता है। तो पहले मैं शांत अशांत को एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ, फिर बिना भाग दिए हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसका, यहाँ पर हम 40 में को 16 से भाग दे रहे हैं, तो 16 का भाग 40 में कितनी बार चले जाएगा आपका, दो बार। 16 दूनी 32, बचे कितने आपके 8, 8 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 16 पंजे 80। तो 16 से जो 40 हो गया क्यों हो गया, डिवाइड हो गया। तो शांत क्या होता है, जो भाग आपका कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है, यानी एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में, चार बार देने पर, दो बार देने पर, तीन बार देने पर वो खत्म हो जाता है, यानी उसका कहीं ना कहीं एंड हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, शांत कहलाता है। अशांत क्या होता है आपका, जिस भाग का कहीं पर ही अंत नहीं होता, यानी आप सुबह बैठेंगे शाम तक भाग देते रहेंगे तो वो शाम तक चलते रहेगा, अगर एक साल तक देंगे तो एक साल तक चलता रहेगा, वो क्या होता है आपका, अशांत होता है। और जिस भाग का एक मिनट करके, दो मिनट करके या आधे सेकंड में आपका भाग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं भाग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, वो होता है आपका शांत। और जिस भाग का कहीं अंत नहीं होता है, भाग कंटिन्यू चलता रहता है, वो आपका अशांत होता है। जैसे एग्जाम्पल 22 का भाग दे रहे हैं हम 7 में, तो मैं दूंगा 2-3 स्टेप तक, अगर आपको चेक करना है कि बाकी में अशांत है तो घर पर बैठ के आराम से करते रहना, क्योंकि ये भाग पूरा होने नहीं वाला। तो 7 3 21, 22 में से 21 कितना बचे, एक, एक में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 7 1 7, 3 बचे, 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 7 4 28, 2 बचे, 2 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 7 2 14, कितने बचे, 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लिया, 7 8 56। तो ऐसे ही ये भाग जो है कंटिन्यू आपका जाता रहेगा, तो जिस भाग का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है वो आपका होता है शांत, और जिस भाग का कहीं अंत नहीं होता वो होता है अशांत। अब बात कर रहे हैं हम बिना भाग दिए, तो मैंने भाग दिए कर आपको समझा दिया, लेकिन बिना भाग देकर हम कैसे बताएंगे इसको भाग लगत कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, और इसका भाग कभी कहीं भी समाप्त नहीं होगा, अनंत तक चले जाएगा, लगातार हम इस भाग को करते रहेंगे, बिना भाग दिए कैसे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 13/31/25, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है 13/31/25, इसकी हमें जांच करना है कि इसका भाग शांत है या अशांत है। तो इसके लिए आपको ये करना है, रूल नंबर 1 हमारा ये है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे पहले हमें ये करना है हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 5 6 30, 1 2 12, 5 2 10 55 25, फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 1 5, 5 2 10 55 25, फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 2 10 55 25। तो आसानी से भाग देती रहिए और सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आप हर किसको मैं के फैक्टर कर रहे हैं, हर के, तो हर के कर लीजिए फिर 55 25, 5 1 5। तो पहली बात क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है हर, तो हर के आपको क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हर के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए, इसे यहाँ आगे लिख दें, 3125 बराबर, तो 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 5, तो 3125 के भाज्य गुणनखंड के हो गए 5 पे घात 5। अब शांत अशांति की कैसे पहचान करेंगे, इसके लिए एक रूल है उसको याद रखना है। जिन, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर मोटी मोटी बात, जिन परी में संज्ञाओं के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, तो जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n, 5 पे घात n के रूप में प्राप्त होते हैं, रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसी परिमेय संख्याओं के, ऐसी परिमेय संख्याओं के, तो बस यही रूल आप समझ लेंगे अच्छी तरीके, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने नहीं वाला। बस ये जो मैंने रूल लिखा है इसको आप सही से समझ लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन एकदम चूर्ण हो जाएंगे, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। तो 2 पे घात n, 5 पे घात n के रूप में प्राप्त होते हैं ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है, 0.। जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में प्राप्त होते हैं ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं। तो बात क्या याद रखनी है, जो हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड करे तो ये क्या प्राप्त हुई, 5 पे घात 5। तो जिस परिमेय संख्या के अर्घ्य अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n या 5 पे घात n इन दोनों के रूप में आए, या इन दोनों में से एक आ जाए, 2 पे घात n के रूप में आ जाए या 5 पे घात n के रूप में आ जाए, n क्या है घात, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10 कहीं कुछ भी हो सकता है, यानी 2 पे घात किसी की भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 पे घात किसी की भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उस हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n या 5 पे घात n इन दोनों में से एक आ जाए या दोनों ही आ जाए तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरी बात, अगर ऐसे आ जाए 2 पे घात n 5 पे घात n और यहीं आ जाए 6 पे घात n, यहीं आ जाए 7 पे घात n तो आपका क्या होगा, अशांत। ये मिले देखने को या ये मिले या ये दोनों मिले, अगर किसी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n के रूप में उसके फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं तो शांत, 5 पे घात n के रूप में उसके फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं तो शांत, और यही ये दोनों भी प्राप्त हो रहे हैं तो भी शांत होगा, और इसके अलावा अन्यथा और कोई फैक्टर आ रहे हैं तो अशांत होगा। मोटी मोटी बात है, इस रूल को याद रखोगे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर किसके रूप में आ रहे हैं, 5 पे घात n के रूप में, तो n का मान क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है n का मान, तो किसके रूप में आ रहा है, 5 पे घात n के रूप में, तो इसके तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपकी परिमेय संख्या 13/3125 को दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो बिना भाग दिए हमने बता दिया, तो बस याद रखना है 2 पे घात n या 5 पे घात n के रूप में आ जाए या इन दोनों में से एक आ जाए तो क्या होता है, शांत। इनके अलावा और कुछ आ जाए तो होता है अशांत। इसका स्क्रीनशॉट ले, रेस करता हूँ मैं इसे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। अब तेज तेज से क्वेश्चन करते हैं, जो मुझे बेसिक समझा देता वो समझाते हैं। 17/8, तो मैंने पहला पॉइंट ही बताया, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हर क्या है आपका 8, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं, 2 चौक 8, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, तो हर जो हर था 8 उसके अभाज्य गुणनखंड के आ गए, 2 कितनी बार लिखा है आपके, 3 बार, 1, 2, 3, तो 2 पे घात 3। अब इसमें देखे रूल लिखा हुआ है आपका,
जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड दो पे घात एन या पांच पे घात एन के रूप में प्राप्त होते हैं, तो किसके रूप में प्राप्त हो गए आपके, दो पे घात एन, यानी एन का मान कुछ भी हो सकता है, दो पे घात एन के रूप में प्राप्त हो गए, तो इसकी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, सांद। तो 17/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। तो आसान है कि नहीं, बस तरीका समझ लीजिए, सब क्वेश्चन करेंगे आसानी से। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64/455। तो 64/455 क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं किसके, हर के, तो ये होता है अंश और नीचे वाले के होता है आपका हर, तो कर लीजिए 455 के, तो 455 के करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 और 1 21, 7 21, 13 एकम 13। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए आपके, 455 बराबर 5 × 7 × 13। तो अब आप खुद देख सकते हैं इस पर 2 पे घात एन है नहीं है, 5 पे घात एन तो है, यानी 5 तो है, लेकिन हमारा शांत कब होता है, या केवल 2 पे घात एन के रूप में आए, या केवल 5 पे घात एन के रूप में आए, या दोनों आए, इनके अलावा और कोई 7 आएगा तो क्या होगा आपका, अशांत होगा। तो यहाँ पर 7 और 13 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 64/455 का, 455 का दशमलव प्रसार क्या है आपका, अशांत। तो सिंपल सी बात है, सब क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे, दशमलव प्रसार अशांत है। इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रेस कर दे रहा हूँ मैं। तो मोटी मोटी बात क्या थी हमारी, 2 पे घात एन या 5 पे घात एन के रूप में आए किसके, अर्घ्य अभाज्य गुणनखंड, इसके अलावा कोई आएगा तो क्या होगा, अशांत। तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं जल्दी से, 1600 के, 1600 200 कितनी बार गया आपका, 800 बार, 200 कितनी बार गया आपका, 400 बार, 200 कितनी बार गया आपका, 200 बार, 200 कितनी बार गया आपका, 100 बार, 200 कितनी बार गया, 50 बार, 200 कितनी बार गया, 25 बार, फिर 5 से काट है, 5 से कितनी बार गया, 5 बार, 5 से कितनी बार गया, 1 बार। तो ये क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड 1600 के, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 200 800 बार, 200 400 बार, 200 200 बार, आधे 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 करते गए, आधे आधे आधे, 200 200 डिवाइड करना, यानी 200 भाग देने का मतलब ही होता है आधा करना, फिर लास्ट में 5 से 5 25 5 एकम 5। तो 2 गिनने कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 बार है, 5 कितनी है, 2 बार, 5 पे घात 2, तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए 2 पे घात 6 × 5 पे घात 2, यानी 2 पे घात n, n का मान मैंने ये बताया था कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 क्रम से कुछ भी हो सकता है, और 5 पे घात n, यानी किसी भी अर्घ्य अभाज्य गुणनखंड इनके रूप में आए तो क्या होगा, शांत। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो 15/1600 का आपका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना 5। तो 5 क्वेश्चन नंबर यहां कर दे रहे हैं, तो 343 के हमें क्या करना है, तो ऊपर वाला आपको पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 5, 29/343, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाले हर, और हम किसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर के, तो इसको देखते हैं किससे भाग चले जाएगा आपका,
ये इसको हम दे देते हैं 7 से भाग, 7 चौक 28 कितने बचे आपके 6, और 6 और 3 63, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो हम एक एक करके चेक करते हैं, 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो 3 से दे रहे हैं, 3 से नहीं जा रहा है तो 4 से आ रहे हैं, तो हमारे किससे बात चली गई 7 से, 7 चौक 28 कितने बचे आपके यहाँ 6, 6 और 3 63, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए आपके, 3 कितनी बार आया है 3 बार, 7 कितनी बार आया है 3 बार, तो 7 पे घात 3। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड आ गए 7 पे घात 3। आप खुद देख सकते हैं शांति कब होता है, इन दोनों में ये दोनों हो या इन दोनों में से एक हो, तो आपका क्या होगा इसका दशमलव प्रसार 343 का दशमलव प्रसार अशांत है, तो आपका 29/343 का दशमलव प्रसार क्यों हो गया अशांत। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 23/2 पे घात 2, 5 पे घात 2। तो आप ये देख के बता सकते हैं जो हर है हर के भाज्य गुणनखंड करोगे दिए पहले से, 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में है, तो ये क्या होगा आपका इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में पहले से ही हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 129/2 पे घात 2, 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5। तो अब इसे हमें बताना है शांत आसान, तो मोटा मोटा मैंने आपको रूल बता दिया है, अगर इसको फॉलो करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में देखें, यहाँ ये तो है 2 पे घात n और 5 पे घात n, यानी 2 पे घात वाला भी है 5 पे घात वाला भी है, लेकिन 7 वाला आ गया और इसके साथ और कोई आ गया, तो क्यों जाता है आपका अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो क्या है आपका इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है आपका, 6/15, 6/15 का चेक करते हैं दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो पहले कैंसिल कर देना ये कट रहा है, तो 6/15 है, 3 से काट देना है दोनों को, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो क्या आ गया आपका 2/5। तो 3 दूनी 6, 6 3 से 2 बार कैंसिल हो गया आपका, और 15 3 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/5। तो इसके बटे में जो फैक्टर है 5 है, यानी हम 5 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 बराबर के लिख दोगे आप 5, और 5 पर पावर के लगा दोगे 1, यानी किसी संख्या पर कोई घात नहीं होती, तो किसकी घात छुपी होती है 1। एक का घात का मतलब ये है कि 5 को 1 बार लिख दो, अगर 5 पर घात 2 लगी होती तो उसका मतलब होता 5 को 2 बार लिख दो, तो 5 को 1 बार लिखेंगे तो ही वही बात है, और 5 पर घात 1 लिखेंगे तो ही वही बात है, और ये कौन से रूप में दिख रहा है आपको, 5 पर घात n के रूप में, यानी 2 पर घात हो किसी ना किसी संख्या की, या 5 पर घात हो किसी ना किसी संख्या की, तो आपका क्या होता है शांत। तो 6/15 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। तो आसान तरीके से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 2 क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 35/50, तो अगर डिवाइड हो रहा है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली, तो उसको पहले काट लें, तो 5 से आपका 35 भी कट रहा है 7 बार, और 5 दाई 50,
अब दोनों किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं, अब 10 के कर लें अभाज्य गुणनखंड। तो किसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, हर के, तो हर क्या है 10, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 200 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, 5 एकम 5, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 5। और किसी पर कोई घात नहीं होती, तो किसकी घात छुपी होती है, 1 की। 1 की घात का मतलब क्या है, 2 को एक बार लिख लो, 5 पे घात पे 1 का मतलब क्या है, 5 को एक बार लिख लो। तो ये 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका दशमलव परिसार क्या होगा, 7 होगा। तो 7/10 का दशमलव परिसार शांत होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 77/210 का बताना है। तो ये पहले 7 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो कर दीजिए 7 एकम 7, 7 21, 0 का 0, तो क्या बच गया आपका, 11/30। अब 30 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 200 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपका, 15 बार, 3 × 15 और 5 एकम 5। तो जो अंश हर था आपका, हर क्या था 30, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए आपके, यह लिख देता हूँ आपके, 30 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 5। और आपको इतनी बार बताया है, मैंने इतनी बार बताया कि आपको रट गया होगा कि अगर आपके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात n, इन दोनों के रूप में देखें या 1 के रूप में देखें, इन दोनों में से तो होता है आपका शांत, पर ना होता है अशांत। तो यहाँ पर 3 आ चुका है, जिसने इसको क्या कर दिया है, अशांत। तो 11/30 का दशमलव परिसार अशांत होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।